जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। देख सकते हैं कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का फोड़ा फूट गया और अब वो ठीक होने लगा है। आप देख सकते हैं यह शख्स आपको दिखा रहे हैं, गले का कैंसर है, ये एक राज्य भरवाई है। उपदेश कब लिया है जी, आप एक बार बता दें उपदेश कब लिया आपने? उपदेश की तारीख 18 में। अच्छा 2018 ब्लैक डे पर, ब्लैक डे के उसके पहले वाली, पिछले साल पे उसके पहले वाली। अच्छा, तब से आपके ठीक है, खाना वाना सब खा पा रहे परमात्मा की दया से। जय बंदे छोड़। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो कहोगे तो आपकी कैंसर के कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गुणा देखे उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा, लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के। इंटरव्यू वाला वो फोटो ले बड़ावाना। हाँ वो ले आएंगे अभी वो, पर ये बोलने तो हो एक बार को गए थे तो वो हाजी भी भरवानी बाकी है। सत्साहेब जी आपने एक हाजी भरवाई है? उपदेश कब लिया है जी, आप एक बार बता दें उपदेश कब लिया आपने? उपदेश की तारीख 18 में। अच्छा 2018 ब्लैक डे पर, ब्लैक डे के उसके पहले वाली, पिछले साल पे उसके पहले वाली। अच्छा, तब से आपके ठीक है, खाना वाना सब खा पा रहे परमात्मा की दया से। जय बंदे छोड़। उपदेश दिया न, उसके दूसरे दिन ही ये गोलियां वोलियां सब बंद कर दी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज खाना एक बगो खाता, पानी आधी उतरता। उपदेश लेता कुटी दूसरे दिन से, मतलब आधी आधी रोटी खाने लगे, तीसरे दिन तो एक दो दो रोटियां खाने लगे। कितना मतलब एक कैंसर के हैं यहाँ पर, इनको मैंने बोला था। हाँ, और आज मैं ये वीडियो उनको भेज रहा हूँ। एक प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया मरने लगे जब ने सोची कि और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। और इसको ये तो थोड़ा मानना एक कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, ये तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग ली, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा? गधा बन के घूम रहा होगा। मृत्यु वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ।